श्री माथुर चतुर्वेद परिषद संगठन के द्वारा आगामी पर्व यम द्वितीया की तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने मांग की कि वर्षों से चले आ रहे यम द्वितीय पर्व को राजकीय पर्व घोषित किया जाए। इसके अलावा यम द्वितीय पर्व के समय लाखों की तादाद में श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जाए। वहीं स्नान के समय यमुना जी में फैल रही गंदगी और सफाई की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। वहीं महिलाओं के स्नान के समय वस्त्र बदलने के लिए नगर निगम द्वारा उचित व्यवस्था की जाए। यमुना किनारे बने घाटों को अच्छी तरह से साफ कराया जाए। यम द्वितीय पर्व पर आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर पूरे पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इसी तरह की कई सारी समस्याओं को लेकर श्री माथुर चतुर्वेद परिषद द्वारा जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग की। बताएं, आज जो आपने ज्ञापन दिया, किस संबंध में दिया गया है? श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के तत्वाधान में हमारे संरक्षक श्री गिरधारीलाल पाठक जी के नेतृत्व में आज यम द्वितीय पर्व को लेकर जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया, और उसमें ये कहा गया कि यम द्वितीय पर्व जो केवल पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर होता है उसमें उसको राजकीय मेला घोषित किया जाए। इस हेतु जो राजकीय मेला में सुविधाएँ मिलती हैं वो सारी सुविधाएँ वहाँ उपलब्ध कराई जाएँ, वहाँ से सभी पॉलीथिन हटवाई जाएँ बिक्री, और जो मतलब अतिक्रमण हो रहे हैं उनको हटवाया जाए, और जो सुविधाएँ वहाँ यात्रियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था है, यात्रियों के लिए शौचालय की व्यवस्था है, महिलाओं के वस्त्र बदलने की व्यवस्था है, उन सब व्यवस्थाओं को मेला से पहले पूर्ण किया जाए, जिससे जो देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्री हैं उनके मन में एक ऐसी छवि जाए कि वास्तव में विश्राम घाट पर आने से बहुत सुविधापूर्वक हमने यम द्वितीया का स्नान किया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।